फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कहने को कागज को बेहद कमजोर और हल्का माना जाता है। हवा चले तो उड़ जाए, आग लगे तो जल जाता है, पानी में डल जाए तो गल जाता है, और कुछ नहीं तो आसानी से फट भी जाता है। लेकिन अगर इसी कागज पर कोई सरकारी मुहर लग जाए तो फिर इसकी अहमियत कितनी हो जाती है, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। सोने चांदी से भी ज्यादा भाव बढ़ जाते हैं हर उस कागज के जिस पर सरकारी मुहर लगी होती है। हाल ही में कागज नाम की एक फिल्म Z5 पर स्ट्रीम हुई है। फिल्म में एक ऐसे शख्स की कहानी दिखाई गई है जो जिंदा होने के बावजूद खुद को जिंदा दिखाने की जद्दोजहद में लगा रहता है। इस शख्स के किरदार में कोई और नहीं बल्कि पंकज त्रिपाठी है। अब पंकज त्रिपाठी का नाम सुनकर ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि इस किरदार को उन्होंने कितना बखूबी निभाया होगा। हुआ भी ऐसा ही है। पंकज के साथ सतीश कौशिक फिल्म में इसी कागज के मायाजाल को दिखाते हुए नजर आ रही है। फिल्म को सलमान खान प्रोडक्शन फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है। कहानी यूपी के रहने वाले भरत लाल की है। भरत लाल बने हैं पंकज। तो ये भरत लाल यूं तो खुद का बैंड चलाते हैं, लेकिन सपने इनके बहुत बड़े हैं। इन सपनों को पूरा करने के लिए जनाब कुछ बड़ा करने की सोचते हैं और उसके लिए वो कर्जा लेने का मन बनाते हैं। कर्जा लेने के लिए भरत लाल पहुंचते हैं लेखपाल के पास। लेखपाल कहते हैं पैसा तो मिल जाएगा, बदले में जमीन गिरवी रखनी होगी। यहीं से शुरू होती है फिल्म की असली कहानी। दरअसल जमीन गिरवी रखने से पहले ही भरत लाल को एक ऐसा सच पता चलता है जो उसके होश उड़ा देता है। वो सच ये है कि सालों पहले कानूनी कागजों में उसे मृत बताया गया है। अब जरा सोचिए, शरीर से जिंदा अच्छा खासा आदमी कागजों में मृत बना दिया गया है। पूरी फिल्म में भरत लाल जिंदा होने के बाद भी खुद को जिंदा दिखाने के लिए सबूत पेश करते रहते हैं। अपने जीवित होने के प्रमाण देने के लिए वो वकील साधुराम यानी कि सतीश कौशिक की मदद लेते हैं। अब बस सवाल यही है कि कानूनी दांवपेच में फंसे भरतलाल क्या कागज पर खींची गई इस लकीर को मिटा पाएंगे या नहीं। इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी होगी। बता दें, सतीश कौशिक के निर्देशन में बनी कागज सच्ची घटना से प्रेरित है। ये कहानी लाल बिहारी नाम के शख्स की है जिन्होंने अपनी जिंदगी के 19 साल सिर्फ ये साबित करने में निकाल दिए कि वो जिंदा है। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा है, सेकंड हाफ थोड़ा सा लंबा लगता है, पर कुल मिलाकर कंटेंट बहुत अच्छा है जिसे आप देख सकते हैं।